अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हमजा है और मैं अभी सऊदी अरब में हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, पिछला व्लॉग आप लोगों ने देखा कि उमरे का था, तो इस दफ़ा मैं हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक बस पर इंफॉर्मेशन देने के लिए कि मक्का में कितनी बसेस कौन कौन सी चलती हैं। अगर आपको कहीं जाना है तो टैक्सी में ज़्यादा रियाल वगैरह देने से अच्छा है आप इन बसेस का इस्तेमाल करें जो नई इन्होंने गवर्नमेंट ने रखी हैं। जैसे सिंध में, कराची में रेड बस है, मक्का बस है। तो आप इनकी वेबसाइट भी है और एप्लीकेशन भी है कि आप वहाँ पे बता दें कि कहाँ से आपको जाना है और कहाँ पे जाना है, तो दोनों का फिर वो आपको स्टेशन बता देगा कि आपको यहाँ पे स्टेशन मिलेगा, वो आपके जगह से करीब ही होगा। और क्या कहते हैं, वो नंबर भी बता देगा कि कौन सी बस जाएगी। तो मैंने अभी देखा कि जहाँ मुझे जाना है ना, मेरे होटल से अजीज़िया जाना है मुझे, तो चार नंबर जाएगी। तो एक चार नंबर ये जा रही, जो दूसरी आएगी उसमें हम बैठ जाएंगे और फिर मैं आपको बस के अंदर दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने अपने जहाँ मैं हूँ अभी, जमजम फैक्ट्री 28 स्टेशन है वहाँ का, और जहाँ मुझे जाना है वो अल मस्जिद अल हरम रोड 154 उनका स्टेशन है। तो देखें भाई, इन्होंने सजेशन दिया हुआ है कि आप सजेशन देख लो कौन से में जाओगे। तो आप देखें, ये बता रहा है मुझे चार नंबर बस चाहिए अल गज़ा, 36 मिनट लगेंगे, फिर वहाँ से वॉक 5 मिनट है। यही सब बता रहा होता है कि आप यहाँ से टेक बस करोगे 36 मिनट लगेंगे और वॉक 5 मिनट करोगे तो आपकी डेस्टिनेशन आ जाएगी। देखें ये बस आई है, कि कोई और से नंबर की है। सो ये बस स्टेशन होता है यहाँ पे ये नंबर भी दिखा रहे होता है कौन सी बस आ रही है, कौन सी जा रही है, कौन सा नाम की आ रही है, आपको यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही होती है पूरी। तो आप फिर वेट करते हो, मिनट्स भी दिखा रहे होते हैं कितने मिनट्स में आ जाएगी। सो अब आएगी तो फिर हम बैठते हैं उसमें। आप बाकी देखें यहाँ पे कितने पहाड़ हैं, और ये मक्का वाले पहाड़ काट काट के होटल बना रहे हैं। वहाँ पे इतनी सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, सारे वो पहाड़ काट रहे हैं और होटल बना रहे हैं बड़े बड़े। ये देखें बस आ गई है चार नंबर। सो अब एंटर होते हैं। जो इसमें ये भी बता देता है दूसरा स्टेशन कौन सा है और कौन सा आने वाला है और अभी कौन सा खुला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही होती है। अभी ये जैसे अल हजरा नंबर 97 स्टेशन इसने ड्रॉप करा और पिक करा। अब नेक्स्ट स्टेशन ये 199 वाला बोलेगा, स्पीकर में भी बोलता है और सामने स्क्रीन भी चल रही होती है। तो यहाँ पे अभी तक हमें हमसे टिकट भी नहीं दिया कोई, लेकिन यहाँ पे बंदा नहीं होता कोई, टिकट वाला बंदा नहीं होता है, आपको स्टेशन पे ही मिलता है। वो मेन स्टेशन पे होता है, हर स्टेशन पे भी नहीं खड़ा होता वो। कोई अगर बड़ा स्टेशन होगा ना, मेन स्टेशन होगा, जैसे हरम का स्टेशन है मेन, जहाँ से बस स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। वहाँ से भी अगर आपको मिल गया तो ये आपको देखें चार रियाल का ही टिकट होता है और ये स्कैन होता है। अगर आपने एक दफ़ा ले लिया ना तो ये आपका फिर दो दिन तक वैलिड होता है। चार रियाल में यानी कि आप लगा लें एक 300 रुपये आपके चार दिन चलेंगे बस में, और आप मक्का ही नहीं घूमते रहो, दो दिन तक वैलिड है ये। ये ज़रा ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ जाता है और ज़्यादा सहूलत है इसमें। और ये जैसे अभी मुझे टाइम हो गया, जैसे इसमें 9:15 हो रहे ना, तो ये मैंने पाकिस्तानी टाइम सेट किया है वैसे इसमें, तो अभी 7:45 हो रहे हैं। तो ये मैं हम लोग चढ़े थे 20 मिनट पहले, मैं चढ़ाऊँगा तो, और ये यानी कि 20-25 मिनट में मैं यहाँ पे आ गया हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी ने मुझसे टिकट ही नहीं लिया जबकि मेरा ये टिकट एक्सपायर हो चुका है, मैं दो दिन पहले ट्रैवल कर चुका हूँ, तो ये अभी एक्सपायर है। मगर अभी कोई बंदा मुझे मिला नहीं जिसने टिकट पूछा हो।
तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा ट्रैवल हो गया एक जगह से दूसरी जगह। अब वापसी में देखते हैं, वापसी में बंदा मिलता है नहीं मिलता, वैसे मैं कह रहा हूँ नहीं मिलेगा, वो अगर आपके पास ही मिलेगा फिर भी आप देखेंगे। ये देखें आप उतर गए, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सफ़र तय करा ये, तो आप जो काम से आए अजीजिया वो काम कर लेते हैं फिर वापसी में। मैं बेसिकली मेरा मकसद यही था आपको दिखाने का कि बस का क्या सेटअप है यहाँ पे, कौन सी बस कौन से रूट से कैसे आपको मिलेगी, ताकि आप लोग जब आप यहाँ पर आओ इंशाल्लाह अल्लाह आपको बुलावा भेजे तो आप लोग को सहूलत हो, आप लोग को पता हो किसी के टैक्सी वैक्सी के चक्कर में ना आ जाए और आपके ज़्यादा रियाल वगैरह ना खर्च होने लग जाए, तो ये यहाँ पे सहूलत है। ये देखें यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले इतना यानी सिग्नल वहाँ है और इतना पहले रुके हुए हैं सब सिग्नल पे, यही पाकिस्तान होता इतना आगे आए होते, यहाँ तक तो आए हुए होते ये लोग, रुका हुआ ही नहीं होता पहले। ये देखें यहाँ पे कितना वो पीछे रुका हुआ है, यहाँ तक है। इनका यहाँ पे ये मशीन भी होती है, इसमें आप कार्ड डाल के अगर आपके पास कार्ड है जैसे यहाँ के जो मुकामी होंगे उनके पास कार्ड होगा इसका, उसमें क्रेडिट होते हुए तो आप फिर अपने कार्ड से भी यहाँ पे पहले ही टिकट ले सकते हैं और फिर यहाँ पे एंटर हो जाएंगे। ये अभी ये वाली बस जा रही है डायरेक्ट हरम जाएगी, ये हम भी अभी इसी में जाएंगे, हमारा काम हो जाए ज़रा, वेट कर रहा हूँ मैं, फिर इसी में जाएंगे इसी नंबर वाली में, एक के पीछे एक लगी हुई है ऐसे काम चलता है यहाँ पे, तीसरी भी लगी हुई, तीसरी भी आ गई और देखें पीछे आ रही है एक, इसके पीछे रुक गई। तो बहुत सहूलत है यहाँ पे, आप थोड़े दिनों बाद ऐसा लगता है कराची से ज़्यादा इजी तो यहाँ पर है। शुरू में थोड़ा आप अगर आपको चीज़ें नहीं पता कि कैसे चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे कैसे मेंटेन हो रही हैं तो आपको फिर मुश्किल लगेगा, जैसे मुझे कुछ दिन हो गए तो मैंने थोड़ी रिसर्च करी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे करनी है, तो फिर अब मुझे चीज़ें आ गई हैं तो अब ईजी लगता है, कराची से ज़्यादा ईजी है। तो यस देखें सो अब काम हो गया था, तो यहाँ पे अलबैग था अजीज़िया में ही करीब में, वही वाला अलबैग जो मैंने आपको पहले दिखाया, तो फिर वापस से अलबैग ले चुके हैं, अलबैग ने हमें वापस खींच लिया अपनी तरफ, इस दफ़ा बिल बनाया 45.50 रियाल और इस दफ़ा फ्रेश भी कम है 543 और ये 499 चल रहा है। क्योंकि उस दिन मैंने व्लॉग डाला ना तो मेरे रूममेट्स जो है ना जिनके साथ ये रूममेट्स हैं मैं उनको जानता नहीं हूँ, वो रूम में मेरे साथ हैं, तो उन्होंने बोला यार मैं भी ट्राई करना है, हमारा भी उम्रा पूरा नहीं हुआ, अलबैग तुमने अकेले अकेले खा लिया, अलबैग के बगैर उम्रा पूरा नहीं होता, लोग ऐसे पूछते हैं, तो फिर आज मैंने बोला चलो फिर उनको भी ट्राई करा लेते हैं। तो जब ये बिल ज़्यादा हो गया तो सबका लिया ही नहीं है, तो अब आज भी कल बैक टाइम। देखें अब हमें जाना था वापस अलबैग वोरा सामने, तो अलबैग लेके अब वापस जाना था, तो इसने फिर हमें स्टेशन बताया है, मैंने ऑनलाइन चेक किया कि स्टेशन अब वापस कौन सा जाएगा, तो ये अल मस्जिद अल हरम रोड 154 मतलब ऑपोजिट अलबैग के ऑपोजिट स्टेशन है, और यहाँ पे आप देखें शेड्यूल्ड है कि कौन से टाइम पे निकलेगी, इनका सब शेड्यूल चल रहा है, बस का भी शेड्यूल है, जैसे अभी 8:54 दिखा रहा है, अभी टाइम हो रहा है 8:48, तो बस भी शेड्यूल वाइज चल रही है। ये देखें 8:54 हो रहा है और ये बस आ गई, यार क्या टाइमिंग है, मगर फुल आई है यार, जगह मिलेगी नहीं मिलेगी।
देखें पूरा हमारा सफर फ्री में हो गया। हम गए फ्री में, कोई टिकट किसी ने नहीं पूछा, और आए भी तो फ्री, कोई टिकट नहीं। तो आप रोड क्रॉस करना है और ये आप देख सकते हैं क्लॉक टावर। मतलब अब अपने होटल की तरफ आ चुके हैं। बस इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड करता हूँ। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन थोड़ी मिल गई होगी, थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा जब आप आएँ तो कैसे आपको सफ़र करना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।